नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा रीजन ये कि आपके फेस में फेशियल हेयर्स हैं और बहुत मोटा बाल है, जहाँ पे आपकी स्किन डीप होगी वहाँ पे फेस का कलर डिफरेंट होगा, जहाँ पे बाल होगा वहाँ पे फेस का कलर डिफरेंट होगा। तो कोशिश करें कि फेशियल हेयर्स ना हो आपके फेस में, ठीक है। ब्लीच कर ले आप लोग, रिमूव कर दें, बट ये कि ब्राइडल के फेशियल हेयर्स नहीं होने चाहिए, आपके फेस बिल्कुल खराब हो जाएंगे। सेकेंड ये है कि स्किन बहुत सिंपल सी थी होगी, आपको अगर लाइट टोन चाहिए तो उसमें बाल टोन नंबर है, और इसके मीडियम टोन चाहिए तो 3-4 नंबर है। मैं ज़्यादातर 3-4 यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसके जो कॉम्पेक्ट्स हैं, दो तरह के कॉम्पेक्ट फेस पाउडर जिसे आप यूज करते हैं, फिक्स करते हैं, वो मैट में भी है, शाइन में भी है, ठीक है। इसके हाईलाइटर बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ आपको बहुत रीजनेबल मिलेगी। आप देखिए, आप 4-5 हज़ार के पीसेस लेते हैं क्योंकि वो क्वालिटी नहीं होगी जो इस फेस की होगी। एक तो ये लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रूफ फेस है और बहुत ईजी एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है इतनी, मतलब मुश्किल कि आपको मुश्किल हो ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, जस्ट वन पेस लगानी है, सिर्फ अपने टोन का ध्यान रखना है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसके टोन से आपने फेस बनाना है, आपकी सिलेक्शन बेहतर होगी तो आपकी फेस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अभी आप लोग लिखिए कि इसमें 4 कलर्स हैं और मेरे पास डिफरेंट बेसिस है, जैसे एच डी है, विजिबल मैट है, डर्मा है। आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपने जैसे बोला, तो आप कुछ यूज़ करेंगे डर्मा बेस, वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में पर उसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है और वो आपके पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, हर चीज़ में कवर करती है, ठीक है, डर्मा बेस। सेकेंडली जिसकी बहुत एजिंग स्किन होती है वो यूज़ करें HD फाउंडेशन, ठीक है। HD जो है सिलिकॉन बेस्ड होती है, HD फाउंडेशन बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, वो बहुत फाइन हो जाती है। फेस जो हो जाए, आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही है कि मेरा माइंड डाइवर्ट भी जाना चाहती है, तो मैट फाउंडेशन यूज़ कर लें, वो डेली रूटीन में आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने ब्राइडल बनानी है तो आप उसमें शाइनिंग वाला जो है वो यूज़ कर लें। उसके अलावा इसके ब्लश रूम बहुत अच्छे हैं, मस्कारा जो है पर्सनली मैं इसका यूज़ करती हूँ, इसके 3-4 मस्कारा से डिफरेंट है। आप वाटर प्रूफ भी ले सकती हैं, उसमें लाइट वॉल्यूम के लिए भी ले सकती हैं, आई शेड इसके पिगमेंट्स चेक कर लिए आप अच्छे से, अच्छा भी आपके पास ब्रांड हो। इसके जो पिगमेंट्स हैं बहुत सॉफ्ट हैं, ब्लेंडिंग पिगमेंट्स हैं, ये पाउडर की तरह होते नहीं है, बहुत अच्छी इनकी ब्लेंडिंग है। जो भी चीज़ यूज़ करोगे आप लोगों के सामने यूज़ करोगे, आपको टेक्स्चर भी चेक करना होगी, ठीक है। मेकअप की वैलिडिटी है, आइए करना, ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज भी करता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज भी करता है और आपके फेस को फ्लैट करने में हेल्प करता है। मैम प्राइमर का नाम बताएं, तो रिफिनिशिंग मैं दिखाती हूँ। आपने ना फेस वॉश करवा लेना है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, स्वेटिंग होती है, तो आपने क्या करना है कि मैट प्योर जो है इसका स्टेज लाइन का, उसका एक मैट प्योर के नाम से मेकअप रिमूवर है जेल फॉर्म में, वो आप अच्छी तरह से उसकी क्लिनजिंग करें और रिंस आउट कर दें, खुले पानी के साथ, आपने स्पॉन्ज के साथ साफ नहीं करनी, ठीक है। वो भी आपकी स्किन से स्वेटिंग को ख़त्म करता है। ये जो प्राइमर है इससे आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी, ठीक है। हेलो साइना, ब्रशेज जितने भी मैं यूज़ करूँगी ये स्टेज लाइन के ब्रशेज हैं, ठीक है। और इसमें आपको कंसीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई फेस ऐसा आता है कि जिसको बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस है, उसमें भी आप टोन एक रखिए, बाकी आप कंसीलिंग कर सकते हैं। जो है ये आप दोनों सीजन में यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन है, फॉर 4 सीजन। ये मैं 3 नंबर यूज कर रही हूँ, ठीक है।
ले सकते हैं, ठीक है। ये मीडियम टोन के लिए, मीडियम फेयर के लिए नंबर है। आपको नजर आ रहा होगा इसमें येलो पिगमेंट है, ठीक है। येलो पिगमेंट ही ग्रे को कवर करता है, आपकी टोन को ग्रे नहीं होने देता, आपको ग्रे टोन से बचाता है, आपकी फेस ग्रे टोन में नहीं जाती। येलो टोन जहाँ पे होता है इसको ब्लेंड करना है, और साथ साथ आपने इसकी टैपिंग करनी है। देखिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी है, बस इसको लगाना है और ब्लेंड कर देना, ठीक है। भाई कि आप कवर कर सकते हैं इसीलिए अब मैं यूज़ करूँगी डर्मा बेस, ठीक है। ये डर्मा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप अपनी स्किन के लिए, अपने टोन के लिए ये ले लें डर्मा। इसमें मैं 101 यूज करूँगी, और इसमें 107 जो है वो बहुत लाइट टोन है, 101 102 आप ले सकते हैं, 101 और 104 के हिसाब से। बाकी
बाकी के आईब्रो आप इसे कवर कर लेना बस, बहुत माइंड लिक्विड है और ये कवरेज बहुत अच्छी लग रहा है। Thank you.
किसी में से कलर होती है, आपने शेड कैसे शेड निकालना है, मतलब कलर इतने होंगे आपको पता ना चले कौन सा कलर यूज हुआ है। थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, बहुत सिंपल है पर डिफरेंट टेक्निक है। उसकी ब्लेंडिंग चेक करें, स्ट्रक नहीं करते ये कलर। पेंसिल्स की ठीक है और मस्कारास की हर तरह के आपने मतलब डेली रूटीन में लगाना है, मैट पे लगाना है, लाइनर जैसे भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल है।